निशानी में आपको वेलकम शांतिद। उम्मीद करती हूँ आप सब तैयार से होंगे, खुदा के फजल से, खुदा के करम से, उसके रहम से। तो आज शहर की किचन में बड़ा जबरदस्त शरबत बन रहा है, वो भी गुड़ का। पंजाबी स्टाइल से हम बनाएंगे, देसी स्टाइल से हमारा आज गुड़ का शरबत तैयार होगा। तो गुड़ का शरबत तैयार करने से पहले खुदा के खूबसूरत और बबरकत नाम से शुरू करेंगे बनाने के लिए। मेरे पास ये देखेंगे गुड़ है। गुड़ मेरे पास 200 ग्राम था, इसको मैंने पीस लिया है। अब गुड़ जो है मैं पैन में डालूंगी और 200 ग्राम मेरे पास गुड़ था और 100 ग्राम मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको हमने गुड़ को मेल्ट कर लेना है। गुड़ अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम जो है इसको जग में निकालेंगे और गिलास में निकाल लेंगे। बहुत इजी है इसको बनाना और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है। ये ज़्यादातर जो है पंजाब में खेतों में जो काम करते हैं वो लोग गुड़ का शरबत वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब पसीना आता है हमारी बॉडी में तो पसीने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं, तो इसलिए जो है शरबत वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ गुड़ का शरबत बहुत ही इजी तरीके से। हो चुका है तो अभी इसको निकाल लेंगे। जो ठेलों पे या बेचते हैं बाजार वगैरह में गुड़ का शरबत, वो इसके अंदर जो है टाटरी भी डालते हैं, तो टाटरी का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि हमें तो घर के लिए बनाना है। तो अगर आपने इसको बना के फ्रिज में इसको एक हफ्ते के लिए भी आप रख सकते हैं, उसमें आप टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश बनाना चाहते हैं तो फिर भी बहुत इजी और बहुत जल्दी बनता है। तभी मैं फ्लेम जो है ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो शरबत देखिए मैंने निकाल लिया। अगर आपने इसको बना के रखना है तो आप किसी बॉटल वगैरह का इस्तेमाल करें, बॉटल में आप भर के तो आप ठंडा करके बॉटल में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं जब आपका दिल चाहा और आपने निकाला और अपने लिए एक गिलास बना के पी लिया। अभी गुड़ का जो शरबत मैंने बनाया था इसको ठंडा मैंने कर लिया है, क्योंकि अगर गरम गरम आप गिलास में डालेंगे तो आपकी गिलास टूटने का भी खतरा है। इसको आप थोड़ा ठंडा करके फिर गिलास में डालें। तो अभी गिलास में डालते हैं 2.5 से 3 चम्मच जो है मैंने चारों गिलासों में डाल लिए हैं। ये देखिए इक्वल डाल रहे हैं, मेरे पास 4 गिलास हैं, चारों गिलासों में मैंने इक्वल डाल दिया है 2.5 से 3 चम्मच। और बाकी जो मेरे पास है इसको हम जग में डाल देंगे। ये जग में मैंने डाल दिया। अभी जो है इसमें हम पानी डालेंगे और मेरे पास ब्लैक सॉल्ट है यानी कि काला नमक, ये मेरे पास हाफ टी मेरे पास काला नमक की भाई यानी कि पीछे हम सॉल्ट की डाल रहे हैं, काला नमक है मेरे पास। और बाकी जो है ये मैं जग में डाल। और लास्ट में जो है मेरे पास है थुक मलंगा। थुक मलंगा हर शरबत की जान है। आप कोई सा भी शरबत बनाते हैं अगर उसमें आप थुक मलंगा ऐड कर देते हैं तो शरबत का जो है टेस्ट भी बढ़ जाता है और फायदा भी बढ़ जाता है, क्योंकि थुक मलंगा बहुत फायदेमंद है हमारे स्टमक के लिए। ये भी गर्मी का तोड़ है और ये बहुत ज़बरदस्त सिंपल सी आज की ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है। अभी जो है पानी ऐड कर देते हैं। उम्मीद करती कि आज की बहुत सिंपल सी और देसी रेसिपी आज की गुड़ की शरबत की आपको बहुत पसंद आने वाली है। पानी हम जो है थोड़ा सा और ऐड कर दिया मैंने। और अभी जो है हम क्यूब्स डालेंगे और लेमन डालेंगे और ये जो है विटामिन सी के साथ और कैल्शियम के साथ भरपूर ड्रिंक आज की हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको घर पे जरूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। घर में बहुत इजी है और बहुत ही कम पैसे में ये रेडी होने वाली चीज़ है। आज की ड्रिंक हमारी बहुत ही कम पैसे में रेडी होगी और इसमें लास्ट में जो है मैं लेमन का इस्तेमाल करूंगी। लेमन का छिलका भी इसमें आप डाल सकते हैं। आप लेमन जो है मैं एक ग्लास में डाल रही हूँ। अगर आप खट्टा कम लेते हैं तो आप कम डालें, अगर ज्यादा लेते हैं तो और ऐड कर सकते हैं।
इसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि जितना मैंने क्वांटिटी आपको बताई है आप उतना ही लें, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप खट्टा खाते हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा डाल लें। तो दो जो है लेमन मैंने जग में डाल दिए और हाफ हाफ लेमन जो है मैंने कप में डाल दी है। इसका छिलका भी आप जो है इसमें ऐड करें और अच्छा लगेगा देखने में भी। ये मैंने इसमें इसका छिलका भी डाल दिया है। बताइएगा कि आज की आपको ड्रिंक कैसी लगी। गुड़ का शरबत बहुत इजी बनाना और बहुत ही सिंपल पंजाबी स्टाइल का हमारा गुड़ का शरबत आज रेडी हो चुका है। अगर आज की आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा और मैं तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाला करें आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, गॉड ब्लेस यू।